भारत बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। इस टेस्ट सीरीज से पहले ही अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इस टेस्ट सीरीज को रद्द करने की मांग उठी है। हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए इस टेस्ट सीरीज को रद्द करने की मांग की है। हिंदूवादी संगठन हिंदू जन जागृति और विश्व हिंदू सेना ने इसका विरोध किया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और मंदिरों पर हमले से हिंदूवादी संगठन नाराज है। इसी नाराजगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाले इस टेस्ट सीरीज को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आज यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के ओर से यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे और आज यहाँ की प्रमुख मांग यही थी कि 19 सितंबर से बांग्लादेश क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ में एक मैच सीरीज आरंभ हो रही है और ये बहुत ही निंदनीय घटना हो रही है। क्यों? क्योंकि इसी कालावधि में लगभग पिछले अगर हम 15 से 20 दिन देखते हैं तो 230 से अधिक हिंदुओं की नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, बहनों बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और यहाँ पे मनोरंजन के नाम पे उनके साथ में क्रिकेट खेला जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम यहाँ पर सभी मिल करके प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो भी मनोरंजन कृत्य हैं वो रुकें, तुरंत उसको रद्द किया जाए और तब तक इस प्रकार के कार्य ना हो जब तक बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित ना हो जाए। वहाँ पे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोगों के साथ में घर जलाए जा रहे हैं वो जब तक रुकते नहीं हैं तो उस समय तक इस प्रकार के कोई भी मनोरंजन कृत्य उनके साथ में ना किया जाए। जैसे कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ में हमने किया, उसी प्रकार से वैसा ही व्यवहार हमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ में करना चाहिए। इसी मांग के लेकर के हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।